Hello young people, Divyam this side. This is 7th lecture of biology chapter, How do organisms reproduce? Guys, इस lecture में हम male और female reproductive systems को study करेंगे. तो फिर आइए, let's begin. Students, सबसे पहले बात करते हैं male reproductive system के बारे में. Guys, male reproductive system में एक पोर्शन ऐसा होता है जहां पर मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं और दूसरा पोर्शन ऐसा होता है जिसकी मदद से ये मेल गैमेट फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंचता है. स्पर्म्स की प्रोडक्शन टेस्टिस में होती है. ये जो टेस्टिस हैं, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती है. टीचर, क्या स्क्रॉटम में प्रेजेंट होने से टेस्टिस को कोई बेनिफिट मिलता है? यस, स्क्रॉटम टेस्टिस को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से स्पर्म्स प्रोड्यूस हो पाते हैं. गाइस, ये जो टेस्टिस हैं, ये एक सेक्स हार्मोन भी रिलीज करती हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन. स्पर्म्स की प्रोडक्शन के बाद वास्ट डिफरेंस एक ट्यूब होती है जिससे कि जो स्पर्म्स हैं वो यूरेथ्रा तक पहुंचते हैं. बीच में सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से उनको फ्लूइडिटी मिलती है. गाइस, फिर फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू पीनस से जो स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइजेशन की साइट तक पहुंच जाते हैं. सर, मतलब कि मेल्स में यूरिन और स्पर्म्स के लिए सेम पैसेज होता है? एब्सोल्युटली राइट. अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल गैमेट्स हैं यानी कि जो एग्स हैं वो ओवरीज में प्रेजेंट होते हैं. ओवरीज एक सेक्स हार्मोन भी रिलीज करती हैं जिसका नाम है एस्ट्रोजन. जब एक बेबी गर्ल बॉर्न होती है तब ओवरीज में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग्स प्रेजेंट होते हैं. फ्रेंड्स, फिर प्यूबर्टी तक ये एग्स वन बाय वन मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं और हर महीने एक एग ओवरीज रिलीज कर देती हैं. और आप क्या बता सकते हैं कि इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट. फिर ये जो एग है ये ओवरीज से फैलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस तक पहुंचते हैं. यूट्रस में पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तब होता है जब इंटरकोर्स के टाइम पर वजाइना से मेल गैमेट यानी कि स्पर्म्स एंटर करते हैं. इस प्रोसेस से फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट फॉर्म होता है वो कुछ टाइम बाद एक एम्ब्रियो डेवलप कर लेता है. सर, इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? स्टूडेंट्स, ये जो एम्ब्रियो है इसको एक स्पेशल टिश्यू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जिसका नाम है प्लेसेंटा. 9 months तक ये जो एम्ब्रियो है ये मदर बॉडी के अंदर ही फीटस में डेवलप हो जाता है यानी कि चाइल्ड डेवलप हो रहा है. और 9 months के बाद जब चाइल्ड फुली डेवलप हो जाता है तब फाइनली मसल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यूट्रस से जो बेबी है वो बॉर्न हो जाता है. सर, फीमेल बॉडी में एग तो हर महीने रिलीज होता है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है? गुड क्वेश्चन. जब वो एग फर्टिलाइज नहीं होता तब अराउंड 1 day के बाद वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है. पर फ्रेंड्स, इस प्रोसेस में जो यूट्रस है वो फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी रहती है. हर मंथ वो अपनी लाइनिंग को थिक और स्पॉन्जी बना लेती है. अब क्वेश्चन आता है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो उस लाइनिंग का क्या हुआ? वो जो लाइनिंग है वो स्लोली स्लोली ब्रेक हो जाती है और ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वो वजाइना से निकल जाती है. और इसी प्रोसेस को हम पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं. तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीयू स्टैक. टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट क्लिक हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ईट गुड फूड.